कल मैंने ख्वाजा फोटोज़ के फेसबुक के पेज पे देखा कि ये नए माइक आए हैं बोया के, जो कि वायरलेस हैं और जो जिनका रिसीवर डायरेक्टली मोबाइल में अटैच हो जाता है, और माइक जो है वो आप अपनी शर्ट में लगा सकते। पैक में दो माइक आते हैं, आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टॉक शो टाइप वीडियो बना रहे हैं तो फिर आप दो भी माइक यूज़ कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं उन्हीं माइक्रोफोन से कर रहा हूँ, और मैं घर की छत पे कर रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी शोर है। केनाल रोड पे जो ट्रैफिक चल रही है उसका शोर भी आ रहा है, ट्रैफिक भी आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ नीचे जो गाड़ियाँ आती जाती हैं उनका भी शोर होता है। तो ओवरऑल क्वालिटी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इतनी नॉइज़ नहीं है। लेकिन मेरा अपनी ओपिनियन ये है कि जो बोया के जो वो तार वाले माइक हैं उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। कन्वीनियंस वाइज ये वाले माइक ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपको तार को नहीं संभालना पड़ता। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा एहतियात नहीं करनी पड़ती। मैंने तो वो जो तार वाले माइक हैं वो यूज़ करते हुए दो तीन दफ़ा अपने मोबाइल को गिरा भी दिया, लेकिन वो बच गया मोबाइल। बोया के वायरलेस माइक के मुकाबले में रोड के भी गो टू के नाम से माइक्रोफोन आते हैं, जो दो माइक्स का सेट होता है और एक उसका रिसीवर होता है, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन आपको 60,000 से 70,000 में मिलेंगे, और ये आपको 9,000 में मिल रहे हैं। तो इतनी प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी वर्थ है, ये इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है अगर आप मोबाइल से रेगुलर वीडियोज़ बनाते हैं। मैं इस वक्त अपने मोबाइल से काफ़ी दूर हूँ और देखता हूँ कि क्वालिटी उसी तरह से रहती है कि कुछ चेंज हो जाती है। अब मैं और ऊँची जगह पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हवा भी चल रही है, और अब देखते हैं आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। हेलो हेलो साउंड टेस्ट, हेलो हेलो साउंड टेस्ट। मैं इस वक्त वर्कशॉप के अंदर हूँ, यहाँ पे बाहर की आवाज़ें नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा एको है इस कमरे में। देखते हैं ये एको जो है हमारी साउंड रिकॉर्डिंग में आता है कि नहीं आता। मैंने अपनी साउंड टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है, जो रिकॉर्डिंग्स की थी उनको प्ले करके देखा है। साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मोर देन सेटिस्फैक्ट्री है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जहां आपको मोबाइल से बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ती हैं तो आपको ये लाजमी लेने चाहिए, क्योंकि जो इनकी कन्वीनियंस है वो आपको बड़ा हेल्प करेगी। मेरे ज़्यादातर कस्टमर होटल्स हैं, और होटल्स के जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स होते हैं या दूसरे मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स होती हैं, वो गेस्ट के टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करते हैं। और वो आमतौर पे क्या करते हैं कि जी आमतौर पे जो माइक्रोफोन इसका बिल्ट इन होता है मोबाइल का, उसी के ज़रिए रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। उसमें वहाँ पर मौजूद एनवायरनमेंट का नॉइज़ भी आ जाता है, दूसरे लोगों की बातें भी आ जाती हैं, और गेस्ट की आवाज़ भी कुछ ना कुछ आ जाती है। तो ऐसी वीडियो ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होती व्यूअर के लिए जिसमें जो है साउंड की क्वालिटी ठीक ना हो। आज सुबह से मौसम बहुत शानदार हुआ है, जो शदीद गर्मी हुई भी थी उसका ज़ोर टूट गया है। सर्दी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मौसम बड़ा प्लेजेंट है, और बारिश इस वक्त रुक चुकी हुई है। अगर आप अभी तक सोए हुए हैं तो उठ जाएँ और थोड़ी सी वॉक करें, और इतना खूबसूरत मौसम जो है आपको लाजमी इंजॉय करना चाहिए।